सर अपना पूरा मैं दीपक कुमार बजाज चेयरमैन सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल्स बनारस। सर आज यहाँ पे किस तरह की क्लासेस का उद्घाटन हुआ है या ये कहें कि एक बच्चों के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ, ये किस तरह का क्लासेस? आज जो निश्चित रूप से बनारस कैंपस के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय जुड़ा है। ऑस्ट्रेलिया की एक बहुत ही प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी स्वाइनबर्न यूनिवर्सिटी के साथ टाइप हुआ है। जयपुरिया के 40 स्कूलों में से स्वाइनबर्न ने अपने बनारस के दोनों कैंपस बाबतपुर और पड़ाव कैंपस का चयन किया है। तो आज एग्रीमेंट पे साइन हुए हैं दोनों साइड से। ऑनलाइन एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ है जिसमें हज़ारों की संख्या में ऑस्ट्रेलिया से और बनारस से लोग जुड़े थे। यह टाइप वस्तुतः बच्चों के ओवरहाल डेवलपमेंट में बहुत बड़ा काम करेगा। ऑस्ट्रेलिया से फैकल्टी 2 महीने के लिए यहाँ आएंगी, बच्चों को अलग अलग टॉपिक पे गाइडेंस देंगी, उनसे बात करेंगी। ऑस्ट्रेलिया से बच्चे यहाँ के कैंपस में आएंगे, यहाँ के बच्चे ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उसके अलावा भी स्वाइनबर्न यूनिवर्सिटी का ये कहना है कि आफ्टर 12 अगर कोई बच्चा ऑस्ट्रेलिया जा कर के उनकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है तो उसके लिए वो सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल्स बनारस दोनों कैंपस के बच्चों को एक अच्छी स्कॉलरशिप भी प्रदान करेंगे। बात की जाए तो आज सरकार ने भी छोटे बच्चों को क्लास भी चालू कर दी है, अच्छा 1 से 8 तक, उन लोगों के लिए क्या गाइडलाइन आपके स्कूल में तैयार की गई? देखिए, हमारे दोनों ही कैंपस कोविड को लेकर जितने भी प्रोटोकॉल हैं उनका अक्षरशः पालन कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा प्रयास किया जा रहा है, बच्चों में डेली सैनिटाइजेशन वगैरह का वर्क हो रहा है, जगह जगह हैंड वॉश और सैनिटाइज़र की व्यवस्था की गई है। उसके अलावा भी देखिए, अब जो सरकार की ये पहल है हम लोग इसका स्वागत करते हैं, क्योंकि निश्चित रूप से कोविड ने बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट में जो बाधा पहुंचाई थी, ऑनलाइन बच्चों की क्लासेस तो ज़रूर हो रही थी लेकिन सर्वांगीण विकास के लिए ये आवश्यक है कि बच्चे स्कूल आएँ। तो सरकार के इस कदम का स्वागत करते हैं और जिस तरह से कोविड पे लग रहा है कि हमारा देश विजय की तरफ चल रहा है तो निश्चित रूप से ये अच्छा कदम है। और कम से कम एग्ज़ाम के पहले जब बच्चे एक बार स्कूल आ जाएंगे तो जो भी समय बच रहा है उसमें लैब्स वगैरह है, बहुत सी प्रैक्टिकल हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी है कि एक तरह से पूरा रिविज़न जो है वो उनका हो जाएगा। तो जयपुरिया स्कूल हमेशा कोई ना कोई नया मौका, नई चीज़ें बच्चों के लिए लेके चलते आ रहे हैं, तो इस साल जो आपने ये गेम चालू किया है तो इससे बच्चों को कितनी, मतलब उनको नॉलेज में या पढ़ाई में कितनी सहायता मिलेगी? देखिए, अगर अपने CBSE की बात करें या जो नई शिक्षा नीति आई है इसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें भी प्रैक्टिकल पे फोकस ज़्यादा है। और CBSE का मुख्य उद्देश्य भी ये है कि वो जो रट के पढ़ने वाली विद्या थी वो ख़त्म हो रही है। आजकल हर जगह बच्चों की प्रोफाइल देखी जाती है कि पढ़ाई के अलावा बच्चों की रुचि क्या है, किस क्षेत्र में उसने अच्छा काम किया है। आज बहुत सी यूनिवर्सिटी ऐसी है अपने यहाँ इंडिया में भी, शिवनादार हैं, NIMS है, ये सब यूनिवर्सिटियाँ बच्चों की प्रोफाइल पर एडमिशन ले रही है। तो हमारा भी प्रयास ये है कि बनारस के बच्चों को भी विदेशों का एक्सपोजर मिले, विदेश से टीचर आएँ, विदेश से बच्चे आएँ और उनके साथ में वो वार्तालाप करें, तो जो एक्सपोजर विदेश के बच्चों को मिलता है वो काशी के बच्चों को मिले। आज कितने बच्चों ने इसमें भाग लिया है और वहाँ से कितने लोगों ने भाग लिया? काफ़ी बड़ी संख्या रही है ये, मेरे को लगता है 4,500 लोगों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है इस समारोह में। बच्चों के अंदर क्या खुशी देखने को मिली आज इस प्रोग्राम? बच्चे बहुत खुश हैं, बच्चे, पेरेंट्स, लोगों ने उसके ऊपर जो है जूम के ऊपर जो ये प्रोग्राम हुआ अपने अपने विचार शेयर किए, तो लोगों को इस टाइप से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। क्योंकि निश्चित रूप से कोविड ने जब यह सिखाया कि हम लोग ऑनलाइन पूरे विश्व से जुड़ सकते हैं तो अब ऑफलाइन में हम विदेश की फैकल्टी से जुड़ पाएंगे, एक अच्छी यूनिवर्सिटी के फैकल्टी यहाँ आएगी, तो पेरेंट्स और बच्चे दोनों ही बहुत उत्साहित हैं। छात्राओं के लिए विशेष क्या है जो स्कूल, उनके लिए क्या विशेष पैकेज है? देखिए, छात्राओं की जहाँ तक बात करें तो छात्र और छात्राएं दोनों हमारे लिए इक्वल है। जो आज वाला टाइप है यह निश्चित रूप से सबके लिए फ़ायदेमंद है, सबका इसके द्वारा ओवरऑल डेवलपमेंट हो पाएगा। काशी की जनता ने क्या संदेश देना चाहिए ऐसे मुहिम को आगे बढ़ाने? काशी की जनता ने हमेशा से ही चुनौतियों का सामना किया है और जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है
और हम हर चीज़ में आगे बढ़ करके एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। पूरे कोविड काल में जिस तरह जन सेवा हुई, नारायण सेवा हुई, तो निश्चित रूप से हम अपने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो कमी बच्चों की शिक्षा में कोविड के कारण रह गई, उसको 2021 में हम लोग और अच्छा से आगे बढ़ करके पूरा करेंगे और बच्चों के विकास को गति दे पाएंगे। सरकार की तरफ से एक गाइडलाइन आई है जिसमें बताया गया है कि 3 महीना बैक पढ़ाई चालू रखा जाएगा, क्योंकि नया सेशन जब तक लिए 3 महीना पुराना नहीं कर उसको सिमेंडेट कर देंगे तब तक लिए नया सेशन चालू नहीं करेंगे। क्या ऐसा भी आपको इसको भी चलेगा? निश्चित रूप से, जो मैंने अभी आपको कहा कि जो समय बचा है इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि थोड़ा स्पीडअप करके पूरे सिलेबस को टच कर लें, कि जिससे कुछ भी अगर बच्चों का मिसिंग है तो वो पूरा हो जाए।